आधार यूसीएल बाईपास आईडी क्या है और कैसे वार करता है और कहां से आईडी लेना पड़ता है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर रखा है और यहाँ पर एक लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और एक वेबसाइट के अंदर चला गया। यहाँ पर आधार यूसीएल का एक वेबसाइट है मेरा सामने आया और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद साइनिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। साइनिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। मेरा वॉलेट पर यहाँ पर 890 रुपीज़ अवेलेबल है और यहाँ पर एप्लीकेशन मैंने अभी तक एक नहीं किया है, एक किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सर्विसेज दिखा देते हैं क्या क्या वर्क होता है। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर थ्री लाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्विसेज का डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही क्विक आधार यूसीएल यहाँ पर देख पाएंगे नीचे सर्विसेज। पहला चाइल्ड एनरोलमेंट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट, एड्रेस अपडेट, नाम अपडेट, डीओवी अपडेट, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और न्यू एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। न्यू एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने चाइल्ड एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक किया है, यहाँ पर चाइल्ड बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए चाइल्ड का नेम और डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का नाम लोकल लैंग्वेज में और जेंडर, और फादर का नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, यह सब डिटेल्स इंटर करना पड़ता है। और बर्थ सर्टिफिकेट का फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है और चाइल्ड का फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। और नीचे फिंगर लेना पड़ता है गार्जियन का, फादर या फिर मदर का, कोई भी एक का गार्जियन फिंगरप्रिंट लेना पड़ता है। एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चार्जेस काटा जाता है और बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पर स्लिप जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर और एक सर्विस देख लेते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट करना है। सेम इसी तरीके से आपको थ्री लाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी एक सर्विस को चूज़ करना है। न्यू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए फुल नेम, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए तो इंटर कर सकते हैं। और पर्पस और यहाँ पर फिंगर लेना पड़ता है एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चार्जेस काटा जाता है और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है। लेकिन आप बात करते हैं क्या यह सच में वार करता है या फिर लोगों को यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आधार ये बाईपास आईडी है और आधार यूसीएल आईडी लेने के लिए सीएससी के मदद लेना पड़ता है। सीएससी के थ्रू आधार बाईपास यूसीएल आईडी लेना पड़ता है और आधार यूसीएल आईडी बिल्कुल जेन्युइन है, यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं होता है। लेकिन आधार बाईपास जो आईडी है वो बिल्कुल फ्रॉड है। यहाँ अगर आप आधार बाईपास आईडी यूज़ करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रहे, सतर्क रहे, बिल्कुल बाईपास आईडी यूज़ ना करें, ऐसे फ्रॉड काम से बच के रहे। यहाँ पर आईडी बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर पैसा लोगों का डूब जाता है, काम वर्क नहीं करता है, एक दो वर्क हो जाता है, बाकी वर्क नहीं होता है, सब रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसे आईडी से दूर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे जेन्युइन वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।